हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं टेली प्राइम 4.0 के फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर आज हम चेक करेंगे कि एक्सेल इंटीग्रेशन टेली में 4.0 में आप कैसे कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा, नॉर्मल आइटम इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। बट आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बॉम इंपोर्ट, कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं और आप चाहते हैं कि आपके आइटम के बॉम्स आप इंपोर्ट करो एक्सेल से, तो वो डिफॉल्ट टैली के अंदर ही आप इंपोर्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे। ये मेरे पास एक एक्सेल शीट है जहाँ पे हमने दो आइटम क्रिएट की है, लैपटॉप और कंप्यूटर, और उसके कुछ रॉ मटेरियल है। तो सबसे पहले इंपोर्ट चेक करते हैं और फिर मैं आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा दूँ कि मेरे पास कितनी आइटम्स अवेलेबल है ये कंपनी में। तो आप देख सकते हैं कि लैपटॉप और कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो प्री डिफाइंड है। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट करने के लिए हो सकता है कि हर चीज़ का टेम्पलेट हमारा एक्सेल का अलग हो, तो डिफॉल्ट टैली का कुछ सैम्पल एक्सेल फाइल फॉर्मेट भी है, वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से मास्टर या ट्रांजेक्शन्स के। और एक बार आप जब उस टेम्पलेट को एक्सपोर्ट करके रेडी कर लेंगे कुछ इस तरह से कि यहाँ पे हमें नाम चाहिए, बॉम की डिटेल चाहिए, तो बॉम का नाम आएगा, उसके रॉ मटेरियल और कंपोनेंट डिटेल। तो यहाँ पे एक्सेल फाइल फॉर्मेट आप जब भी एक्सेल टैली से निकालेंगे, यह एक रीडमी करके फाइल है। तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस फील्ड के लिए आपको क्या मैपिंग करना है, बिकॉज एक्सेल की कॉलम का हमें मैपिंग करना होगा कि वो टैली की किस फील्ड के साथ मैच करेगा। तो यहाँ पे आपके रिक्वायर्ड फील्ड के हिसाब से आप सारी चीज़ें मैप कर सकते हो। तो इसी तरह मैपिंग की हेल्प करके मैंने यह टेम्पलेट बनाया है जिसमें हम आइटम प्लस बॉम इंपोर्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कुछ टेम्पलेट बना। अब टेम्पलेट को से मैप करेंगे, तो इंपोर्ट में मैनेज मैपिंग टेम्पलेट, आपके बनाए हुए टेम्पलेट आप देख भी सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्रिएट दिखाती हूँ। आपकी एक्सेल शीट आपने कहाँ रखी है उसका पाथ आएगा, उसकी वर्कशीट का नाम, और यहाँ पे आप ये टेम्पलेट जो बना रहे हो वो टेम्पलेट का नाम जो आपको याद रहे। लेट्स से बॉम न्यू। अब यहाँ पे बॉम किस चीज का होगा, तो स्टॉक आइटम का होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ मास्टर्स अवेलेबल है, तो इतनी तरह का मास्टर आप एक्सेल से टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यहाँ जो टैली के फील्ड है वो है हमारे पास जैसे नेम, और यहाँ पे हमें डिफाइन करना है कॉलम हेडर ऑफ एक्सेल शीट। तो एक्सेल शीट का जो कॉलम हेडर है, ये जो है ये कॉलम के हेडर है जो मतलब हमने एक्सेल शीट में नाम रखे हैं, उसका मैपिंग हमें करना है कि यहाँ पे नेम के लिए कौन सी कॉलम हमने एक्सेल में रखी है। नेम सेम वे यूनिट, क्योंकि आइटम हमारी नई क्रिएट होगी तो यूनिट हमें मस्ट है, तो एक्सेल शीट का कौन सा कॉलम। फिर अगर ग्रुप चाहिए तो ग्रुप रख सकते हो आप, और बहुत सारे डिटेल। अगर हमें सीधा बॉम चाहिए इसमें तो बॉम, अब बॉम के लिए बॉम का नाम हमने कहाँ रखा है एक्सेल में वो डिफाइन करेंगे, उसका आइटम किस कॉलम में है, जैसे हमने बॉम आरएम करके लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल टेम्पलेट का मैपिंग करके टैली में ये टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये जब भी बॉम इंपोर्ट करना है आपने एक टेम्पलेट बना लिया और सेव कर लिया, तो आप उसे बार बार यूज़ कर सकते हो। तो जो मैंने टेम्पलेट बनाया है वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। अगेन अल्टरो इम्पोर्ट मैनेज में मैपिंग टेम्पलेट्स में अल्टर, और आपने जो टेम्पलेट्स बनाए होंगे वो यहाँ पे आपको लिस्ट आउट हो जाएंगे, करेक्ट। और इस तरह से मैपिंग आपको दिखेगा। तो चलिए अब इम्पोर्ट करते हैं ये मैपिंग। वापस हम जाएंगे अल्टरो इम्पोर्ट। अब हम मास्टर इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो मास्टर हमारी एक्सेल शीट जहाँ पे है वो, उसकी शीट का नाम, और ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि मैपिंग टेम्पलेट, हमने जो टेम्पलेट इस शीट के लिए यूज़ करना है
वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे बिहेवियर क्या होना चाहिए, मॉडिफाई विद न्यू डेटा, इग्नोर डुप्लीकेट्स, कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और आप चाहते हो सॉरी कि बिफोर द इम्पोर्ट आपका डेटा बैकअप आप लो, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन जो है बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इम्पोर्ट, उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो भी रख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक समरी रेडी होकर आ जाएगी कि इस एक्सेल शीट में जितने भी आपके आइटम हैं वो यहाँ पे दो काउंट है, और लेट्स इम्पोर्ट। तो ये इम्पोर्ट हो गया है सक्सेसफुली, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो जैसे गेटवे ऑफ टैली पे आप जाएंगे, गो टू में स्टॉक आइटम कॉस्टिंग अगर हम देखेंगे, अगर एस्टिमेट आप चेक करोगे, तो यहाँ पे ये दो आइटम बन के रेडी है वॉर्म के साथ, कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास चार आइटम है, लैपटॉप में दो आइटम है। और ये आइटम मास्टर में भी आप चेक करके देख, आइटम क्रिएटेड है और इसका इस तरह से बॉम हमारा बन चुका है। यहाँ टाइप कंपोनेंट एज पर द टैली वो हमने एक्सेल शीट में मैपिंग किया हुआ है बॉम टाइप में, उसके अकॉर्डिंग आएगा, आप इसमें से कोई भी वैल्यू उसका ले सकते हो। तो इसी है टैली प्राइम 4.0 में एक्सेल इंटीग्रेशन। अगर दूसरा एक्सेल इंटीग्रेशन आप देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप कौन सा टेलीफोर का नया फीचर देखना चाहते हैं, तो आपको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच पाए। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।